Manish yes ji, yes sir yes sir is it visible, right? yes yes okay yes sir जैसा मनीष जी ने बताया कि हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखेंगे, प्रोडक्ट एक ऐसा टूल होता है किसी भी सेल्स पर्सन के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे लिए एक ऐसा वेपन है, अगर हम इसको स्ट्रेटजिकली यूज करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, मतलब एंट्री करने के लिए ये सबसे अच्छा रोल प्ले करता है, राइट right? तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है और इसको हम लोगों ने कहीं समवेयर डाउन द लाइन हमने एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी कि प्रोडक्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह से हमको प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। जैसे मनीष जी ने बताया कि अगर हम गलत प्रोडक्ट को गलत तरीके से प्रमोट कर देते हैं या गलत तरीके से किसी को गाइड कर देते हैं तो उसमें कंफ्यूजन उसको भी रहता है और उसको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं और वो ब्रांड इमेज भी हमारी खराब होती है, अफेक्टेड होती है। इस चीज को समझने के लिए हमने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया हुआ है, उसी मॉड्यूल के तहत हम लोग बात करेंगे। जी मनीष जी, आप सबको म्यूट कर दीजिए एक बार। राइट तो हम आ जाते हैं ऑक्सीनाइन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, राइट। देखिए हमारी बॉडी में अपने टिश्यू को अलाइव करने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑक्सीजन। और एंटीऑक्सीडेंट अगर प्रोडक्ट जो होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीजन अपनी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है, वो जितना ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे, चाहे वो इनहेल करके या किसी तरह से या हमारे स्किन में वो चीज रहेगी, तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। और नाइन जो है ऑक्सीनाइन का जो मतलब है, इसमें ऑक्सीजन बहुत मात्रा में रहती है और नाइन इसके बेनिफिट्स होते हैं। ये हमारी यूएसपी है ऑक्सीनाइन की, बेसिक यूएसपी है। नाउ मूव टू द फर्दर पेज। सो दिस इज अवर पोर्टफोलियो, ये हमारा किटी है पूरा, पैराबेन फ्री। हमारी यूएसपी जो है पैराबेन एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट की है। ये आपको पता ही है पैराबेन क्या करता है। पैराबेन हमारे बॉडी में कैंसर को, देखिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बाई प्रोडक्ट क्या होता है, कैंसर होता है। कैसे कैंसर होता है कि समवेयर डाउन द लाइन हम कोई भी केमिकल को अपनी बॉडी में यूज कर रहे हैं या उसको टच में ला रहे हैं तो वो केमिकल अगर डेड करता है और उसी डेट की वजह से हमारे कैंसर टिश्यू हमारे बॉडी में डेवलप कर जाते हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए पैराबेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हमारे केमिकल जो है इसमें पैराबेन नहीं है तो ऐसा देखा गया है कि जिनके कैंसर होता है बॉडी में वो कहीं ना कहीं उस टिश्यू में, उनको जब कैंसर टिश्यू को देखते हैं एनालिसिस करते हैं तो ऐसा पाया गया है कि पैराबेन उनके टिश्यू में हमेशा पाया गया है। तो 99% लोगों के पैराबेन जो है टिश्यू में पाया जाता है कैंसर। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि कैंसर जो है समवेयर डाउन द लाइन कॉस्मेटिक से अगर हो रहा है तो वो पैराबेन की वजह से हो रहा है। तो हमारे प्रोडक्ट पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है, तो हम सोसाइटी में ये चीज बोल सकते हैं, ये कमेंट कर सकते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट जो है ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे हो और कॉस्मेटिक से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पैराबेन आपको कैंसर आपको आने की गुंजाइश है या आप कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो आप ये एक इन्विटेशन नहीं दे रहे हो कि आपको आपके घर में कैंसर को आप इन्वाइट नहीं कर रहे हो एक तरीके से देखा जाए। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हमारे प्रोडक्ट पैराबेन फ्री होते हैं तो इससे हम कैंसर को इनविटेशन नहीं देते हैं, कैंसर फ्री रहता है हमारे फैमिली और हम अपने बच्चों को अपनी फैमिली को सेफ गार्ड कर सकते हैं कैंसर से, राइट? यस। ये अपने पूरी टीम की फोटोग्राफ है, आपको पता ही अपना हेड ऑफिस वेसु में है सूरत में। ऑक्सीनाइन एसेंशियल्स आर द क्लिनिकल प्रूवन रिसर्च बेस्ड हाईली परफॉर्मिंग इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। इसका सिंपल सा मतलब ये है
कि हमारे प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल क्लास को डिफाइन करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है और इंटरनेशनल डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोडक्ट पोजिशनिंग के लिए। अगर आप किसी को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करते हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम क्योंकि हमको पता है कि इंडिया के जो लॉज है वो कहीं ना कहीं केमिकली हम लोग उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, पर अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हैं तो हमें ये बताते हैं। जैसे कि जापान में बात करें तो वहां पर पैराबेन को यूज ही नहीं किया था, बैन है, पर इंडिया में हम यूज करते हैं। हमारे पास गाइडलाइन भी नहीं है, हमारे पास इतना कंट्रोल भी नहीं है कि कौन आदमी कितनी गाइडलाइन को कितने हिसाब से पैराबेन को यूज कर रहा है, कितने हिसाब से नहीं यूज कर रहा है। तो हमारा ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारी लीवरेज है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग जो है इतना अच्छा कंट्रोल, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है इतने लोगों को कंट्रोल करना। पर क्लिक करी तो अभी देखो मैं मनीष भाई म्यूट कर दीजिए सब। यस सर। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यही मतलब होता है कि हम लोग इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जो WHO हम फॉलो कर रहे हैं। और हम लोग 2011 से सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। हमारे चार डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से आप सभी लोग पहचानते हो कि सुमित सर हैं जो रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, गगन सर हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग देख रहे हैं, हरप्रीत सर है जो बिजनेस एलिवेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और जो मितेश सर है वो प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं। वो बड़ोदरा में बेस्ड है एंड कम्प्लीटली डिवोटेड टुवर्ड्स दी मैन्युफैक्चरिंग। अब ऑक्सीजन एसेंशियल जो है वो इंडिया में कैसे लॉन्च हुआ है, किस तरह से हम एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो बहुत सारे प्रॉमिसेस करती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाती हैं कंप्लीट, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंप्लीटली पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं। लोगों के पास पैराबेन के सर्टिफिकेट भी नहीं होते, फिर भी वो हमको फॉलो करते हुए, वी आर द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस द पैराबेन इन इंडियन मार्केट, तो बाकी सब लोग तो हमको फॉलो ही कर रहे हैं। और उनके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, उनके सारे अपनी रोज नहीं करते, रोज एक कलर। हाँ, तो पैराबेन प्रोडक्ट जो है इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया ऑक्सीनाइन ने, और बाकी सब लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। इतने मिलियन अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाई कस्टमर्स हैं अपने। ये पुराना डेटा है, अभी हमने रिसर्च जो अपनी पाई है डेटा में, उसमें ये है कि लगभग 3 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर हैं जो अपने प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री, इतने ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूमर्स हैं, हमें पता नहीं चलता, पर अक्रॉस द कंट्री 3 मिलियन, मतलब 3 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 3 मिलियन का मीन 30 लाख, 30 लाख ऐसे कंज्यूमर है जो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। राइट, करंटली 50+ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज, परफ्यूम, फेस केयर, स्किन केयर, आई केयर, केयर बॉडी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, मेंस केयर, फुट केयर, इस इतनी वैरायटी में अभी तो हम लोग बहुत सारी चीजें आ रहे हैं। अपने इवेंट में भी देखा होगा सुमित सर ने, बहुत सारी बेबी केयर में भी आई है, बहुत सारी अच्छी सीरीज आई है, फिर हम लोग डिश वॉशर में भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अपने आ रहे हैं। प्लस फ्रेंचाइजी नेटवर्क है जो ग्रोइंग है काफी, नेशनल प्रेजेंस इन गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड ग्रोइंग सो ऑन। को मिलता है तो हमें मिला हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड कितने हाई हैं। ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बड़ोदरा में, जो आप सभी को जानते हैं, ये इसका एक ग्लिम्स है कि कैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। प्रोडक्शन यूनिट सिचुएटेड एट वडोदरा गुजरात, इन हाउस स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्मेटिक में आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो लोगों से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं,
बट खुद नहीं करते, तो उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड उनके कंट्रोल में नहीं रहते। हमारे क्या इनहाउस है, हम इनहाउस वे में हम अपने कंट्रोल स्टैंडर्ड के साथ चीजें कर सकते हैं, अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, चीजों को डेवलप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एरिया मोर देन 10,000 स्क्वायर फीट की अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एरिया है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है ओवर 500 प्रोडक्ट्स की अपनी है। स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर इन आवर मास टू क्लास प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी प्राइस फॉर ऑल मींस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट उत्पाद बनाने की, मतलब अभी तो हम लोगों के पास 60-65 प्रोडक्ट है अपने, तो अभी हम लोग तो हमारी जो कैपेसिटी हो 500 प्लस प्रोडक्ट को साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन करने की है, राइट तो ये कैपेसिटी अपने पास है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन लाइन 7 अपनी नंबर प्रोडक्शन लाइन है अपने पास, मतलब सात, एक साथ हम 7 प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हर्बल कॉस्मेटिकल रेंज अपनी, ये रेंज पे हमको सर्टिफिकेशन मिला और इस पे हम रिसर्च भी कर रहे हैं। इनहाउस लैब्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट माइक्रोबायोलॉजिकल एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग लैब, मतलब अपनी लैब भी है वो भी इनहाउस है। हम लैब टेस्टिंग भी कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन के कॉम्बिनेशन को उनके रिजल्ट को हम टेस्ट कर सकते हैं इनहाउस। ये अपना विजन है, एम्पावरिंग पीपल वर्ल्ड वाइड टू लिव लाइफ किंग साइज। आवर मिशन है 1000 सेल्फ मेड मिलियनर्स। आप में से जितने लोग अभी बैठे हैं, अभी 200 लोग अपने ऑनलाइन हैं एक साथ, तो 200 में से जो अपने को है, कहीं ना कहीं पूरी टीम जो अक्रॉस द कंट्री इतना चैनल है ऑक्सीलाइन का, उसमें से हमको 1000 सेल्फ मिलियनर्स जो है लखपति लोगों को निकालना है, बनाना है। To set benchmark in skin care and healthcare product, हमारा टारगेट है कि स्किन केयर और हेल्थ केयर में हमको अपनी रेंज को डेवलप करना है और एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है कि लोग जाने कि अगर उनको स्किन केयर में जाना है तो ऑक्सीनाइन के पास जाना है। To create a stable platform for our people, to create best environment to grow, learn, lead, celebrate and enjoy. Means if we are having a good product, if we are having a good market, if we are having a good price bracket or बेस्ट ऑफ अर्निंग अपॉर्चुनिटी अपने पास रहेंगी तो हम हर तरीके से खुश रहेंगे और समाज को भी खुश रखेंगे। और सबसे अच्छी बात है तो हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो प्रिवेंट कर रहे हैं कैंसर को हमारे घर में आने से, मतलब हमने एक नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। अगर कोई आदमी ऑक्सीनाइन के प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो उसने अपने घर के सामने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है कैंसर के लिए, कैंसर आ नहीं सकता उनके घर में कॉस्मेटिक के थ्रू। टू बी बिगेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया विद 10,000 फ्रेंचाइजी नेटवर्क, ये हमारा गोल है, ये हमारा मिशन है कि हमको इतना बड़ा नेटवर्क अपना क्रिएट करना है। और ये अकेले तो नहीं हो सकता, आप सबकी मेहनत और आपके साथ के वजह से ही हो सकता है। अपना ब्रांड प्रॉमिस आपको पता है कि 100% ह्यूमन सेफ प्रोडक्ट है अपने पास, टॉप क्लास क्वालिटी है, कस्टमर सेंट्रिक अपने पास रेंज है, राइटली प्राइस्ड है। अगर मार्केट में अगर प्राइस आप देखो इस क्वालिटी के लोगों को, इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही राइटली प्राइस प्रोडक्ट है अपने, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। हम लोग We say no to harmful and banned chemicals. We say no to synthetic dyes and harmful chemicals. We say no to animal-derived things. We say no to anti-environment products. We say no to hiding the ingredients. बहुत सारे लोग ऐसे players होते हैं अपनी industry में जो hide कर देते हैं ingredients को. Ingredients means वो packaging में भी पूरे ingredients नहीं दिखाते हैं. ये मिस माल प्रैक्टिस इंडिया में चल रही है, बट हम लोग ऐसा नहीं करते, हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्प्ले करते हैं। वी से नो टू फॉल्स क्लेम्स, हम कोई भी ऐसे क्लेम्स नहीं करते जो फॉल्स फेक हो। जैसा कि मैंने पहले बताया 100% ड्राइव फ्रॉम वेजिटेबल मिनरल्स किंगडम, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं अपने, जो पैकेजिंग हम लोग यूज कर रहे हैं वो रिसाइकलिंग होती है, प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट से हम लोग काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
कि मार्केट में लोग क्या करते हैं, केमिकल से प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसमें फ्लेवर डाल देते हैं पपाया का या किसी चीज का, तो स्मेल तो आती है बट वो एसेंस होता है सिर्फ, वो एक्सट्रैक्ट नहीं होता। हम क्या करते हैं, पपाया का नेचुरल एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं और उसको प्रोसेसिंग करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्ट पे फंक्शनिंग और एसेंस पे फंक्शनिंग। मार्केट में आपको बहुत से ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो एसेंस पे काम कर रहे हैं। अपने जो परफ्यूम्स है वो सीएफसी फ्री है। सीएफसी मीन्स होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका बेसिक पर्पस ये होता है, ये कहीं ना कहीं ओजोन लेयर, जब हम उसको परफ्यूम को डालते हैं अपने बॉडी में तो सीएफसी गैस जो होती है वो निकलती है और वो आसमान में जाके ओजोन लेयर को अफेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं इससे हमारे एनवायरमेंट को फर्क पड़ता है, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट 100% सीएफसी फ्री है। सल्फेट फ्री है। आप सभी लोग बोलते भी होंगे, जानते भी होंगे कि हमारे प्रोडक्ट जो है सल्फेट फ्री है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में लोग सल्फेट यूज करते हैं। एलएलपी फ्री, लिक्विड लाइट पेट्रोलियम जो है इसके भी फ्री है। आपको पता है ये चीज ऐसी चीज होती है जो कभी खत्म नहीं होती, इसको हम डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, इट्स काइंड ऑफ अ प्लास्टिक, तो एनवायरमेंट इससे अफेक्टेड होता है। नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पे ये हमारे कोई भी प्रोडक्ट टेस्टेड नहीं होते तो उनको हार्म नहीं फैलाते हम लोग। कुछ तो एनजीओ ने इतना बड़ा इस समय मार्केट बना रखा है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो होती है एनिमल पे टेस्टिंग करती है, तो उसके विरोध में वो लोग आए। इवन कुछ तो मूवीज भी डेवलप हो गई है, वो बनी है उसके ऊपर। तो हम लोग तो जो है एनिमल्स पे टेस्टिंग करते नहीं है, तो हम ये बहुत अच्छी पोजिशनिंग है जिसको हमको पोजिशन करना चाहिए मार्केट में। पैराबेन फ्री, सबको पता है कि पैराबेन का जो लोगो भी है वो हमारी द्वारा ही डेवलप किया हुआ है, हमारे द्वारा ही बनाया गया हुआ है, एस्टैब्लिश किया हुआ है, इसका कॉपीराइट भी अपने पास है। तो ये सबसे बेस्ट चीज है जिसको आप प्रमोट करते भी होंगे और करना भी चाहिए हम सभी को। तो ये 9 यूएसपीज हैं अपनी जो हम सभी को पता है अपने बारे में, और हमें इसको क्लाइंट को भी इन्फॉर्म करना चाहिए मोर ऑफन देन नॉट। आवर स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस, हम ISO सर्टिफाइड कंपनी है। हलाल सर्टिफिकेशन, जैसा मैंने पहले बोला, हलाल सर्टिफिकेशन भी है, GMP सर्टिफिकेशन भी है अपने को, WHO का सर्टिफिकेशन भी है। इफ योर प्रोडक्ट विल स्पीक देन यू डोंट नीड टू स्पीक। ठीक है, सिंपल सी चीज है, प्रोडक्ट एक ऐसा टूल होता है ना, अगर प्रोडक्ट बोलता है तो हमें बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, और हमारे पास ऐसी ही चीज है कि हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं, हमें बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको किसी को एक्सपीरियंस कराना है, किसी को समझाना है कि आपको उसको फ्रेंचाइजी लेनी है नहीं लेनी है, उसको आप 4-5 प्रोडक्ट दे दीजिए, उसको एक्सपीरियंस करने को दीजिए और बोलिए कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। वो एक्सपीरियंस करने के बाद खुद बोलेगा कि यार मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए। हंड्रेड परसेंट वेज प्रोडक्ट है, ड्राइव फ्रॉम द वेजिटेबल्स, प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट पे है हम लोग काम कर रहे हैं। रिसाइकलिंग पैकेजिंग है अपनी, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स। ठीक है, सर्टिफिकेट ISO सर्टिफाइड, GMP सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेशन, नो CFC, WHO, तो इस तरह के अपने चीजें हैं अपने पास। अब हम आ जाते हैं, तो बेस्ट थिंग इज दैट कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में देखिए, हम हमेशा मार्केटिंग लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि सामने वाला क्लाइंट जैसा है उसी तरीके से हमको पोजिशनिंग करनी चाहिए। ये सेल्स का एक थंब रूल है जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। सेम चीज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होती है कि जैसी स्किन होती है हमेशा कॉस्मेटिक उसी तरीके से हमको यूज करनी चाहिए। ये पहला थंब रूल है, जिसने इस थंब रूल को क्रॉस किया या ओवरकम किया या उसको फॉलो नहीं किया, समवेयर डाउन द लाइन वो कहीं ना कहीं किसी को गलत प्रोडक्ट देने वाला है। तो इस चीज को हम सबसे पहले समझने वाले हैं। देखिए, हमारे दो तरह की स्किन होती है मेजरली, एक होती है ड्राई स्किन, एक होती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे में बॉडी में कहीं ना कहीं एक ऑयल क्रिएट करती है। हमारी स्किन जो है नेचुरली एक ऑयल को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम उसको कंसिडर करते हैं ऑयली स्किन। ड्राई स्किन जो होती है वो नेचुरली हम ड्राई फ्रेम में रहते हैं, हमारे ऑयल नहीं निकलता है, तो उसको हम ड्राई स्किन कहते हैं। कुछ लोगों की बॉडी में क्या होता है कि कहीं पर कॉम्बिनेशन होता है, कहीं पर ऑयल आता है, कहीं पर वो ड्राई रहते हैं। जैसे कि जहां पर दो सरफेस मिल रही होती है, जैसे कि नाक के पास का जो पैच होता है, यहाँ पर अगर किसी को ऑयल निकल रहा है तो आप उसको बोलोगे, और बाकी स्किन तो बाकी फेस में जो है वो उसका ड्राई है।
तो आप बोलोगे कि उसका फेस तो गाल पे तो ड्राई है, बट जहां पर ये नाक के पास का जो पैच है वहां पर उसको ऑयल आ रहा है, तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है उसकी। तो कॉम्बिनेशन हो गई, ड्राई हो गई, ऑयली हो गई, अब नॉर्मल। नॉर्मल जैसे कि नॉर्मल लोगों की जिनके पिंपल्स नहीं आते हैं, जिनकी ना बहुत ज्यादा ड्राई रहती है ना बहुत ऑयल निकलता है। हाँ अगर कोई समर में बहुत ज्यादा होता तो उनके नेचुरली ऑयल आता है, अदरवाइज वो नॉर्मल कंडीशन ही होती है। तो इस तरह से अपने चार स्किन टाइप है जिसको कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन बोलते हैं। अब हम अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, आप सभी को मालूम है इसका हमारे सेल्स वॉल्यूम में बहुत बड़ा रोल होता है, चारकोल फेस वॉश। हम सभी चारकोल के नाम से जानते हैं, सबको जानते हैं। देखिए चारकोल एक ऐसा नेचुरल मीडियम का कार्बन होता है जो हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करता है, उसका काम ही, उसका नेचुरल प्रोसेस ही यही है कि वो प्यूरिफाई करता है। आपने अगर देखा होगा हमारे घर में फिल्टर लगे रहते हैं, हमारे घर में आरओ लगे रहते हैं, उसमें भी एक्टिवेटेड चारकोल होता है, उसका काम ही है कि वाटर को प्यूरिफाई करता है। तो चारकोल मींस प्यूरिफिकेशन सबसे पहले, तो सबसे इसका थंब रूल यही है, चारकोल कहीं पर भी आएगा वो हमेशा प्यूरिफिकेशन की बात करेगा, चाहे वो स्किन का प्यूरिफिकेशन हो या कहीं का भी प्यूरिफिकेशन, जहां हम लगा देंगे वो प्यूरिफाई करेगा उसको। हमारे चारकोल में क्या सबसे बेस्ट चीज है ऐसी जो हमारे चारकोल पे हम बोल सकते हैं? देखिए हमारा चारकोल नॉर्मली अगर आप चारकोल देखोगे ना तो वो ज्यादातर ऑयली स्किन के लिए हम सब लोग सजेस्ट करते हैं, बट हमारा चारकोल जो है वो लगभग ऑल स्किन को मैच करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे इसमें एलोवेरा है और लेमन एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। लेमन एक्सट्रैक्ट आता है हमारी बॉडी में, उसको हटा देता है। रिस्टोर इलास्टिसिटी मतलब ये हमारी बॉडी की जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है, हम बूढ़े क्यों लगते हैं, झुर्रियां जो हमारी स्किन में आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि हमारी इलास्टिसिटी जो स्किन की है वो रिड्यूस हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये इलास्टिसिटी जो स्किन की बढ़ाता है तो हमें समवेयर डाउन द लाइन हमको एक एज को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन, आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर करता है, इम्प्योरिटीज हटेंगी तो जो डार्क होगा, डेड स्किन होगी वो तो टूथपेस्ट की मार्केट बहुत बड़ी है, उसका कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है, घर में 5-6 लोग रेगुलर रूटीन में करते हैं, कुछ लोग दो दो बार यूज कर रहे होते हैं, मार्केट बहुत बड़ी है। कुछ लोगों ने तो अपने आप को कोलगेट का तो बेसिक प्रोडक्ट ही यही है, इतना बड़ा ब्रांड उसने क्रिएट कर दिया है। तो इसमें हमारे क्या हब्स हैं, इसमें अपने एनिसेट, ये इंडिया का पहला ऑर्गेनिक चारकोल टूथपेस्ट है। अगर इसकी बात मैं करूं कि चारकोल का सिंपल फिनोमेना है कि वो इम्प्योरिटीज को हटाता है, चाहे वो टीथ की हो या स्किन की हो, और इंडिया का पहला ऐसा चारकोल टूथपेस्ट है हमारा जो ऑर्गेनिक वे में चारकोल को लेके आया है। पहले हम हमको फॉलो किया है अगर देखा जाए तो कोलगेट ने, हमारा जो टूथपेस्ट है, बाकी के टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है जो कि कहीं ना कहीं हमारे स्किन को, हमारे कैविटी, हमारे टीथ में कैविटी क्रिएट करता है फ्लोराइड। ज्यादा फ्लोराइड होने से एनामेल कट जाता है और हमारे दांतों में ठंडा पानी, इस तरह की चीजें लगने लगती हैं। तो फ्लोराइड फ्री है हमारा, और कुछ लोगों ने तो अभी सर्वे करके बताया है कि कहीं ना कहीं फ्लोराइड से हमारे जो माउथ का कैंसर होता है उससे भी इफेक्ट आ रहा है। ये अभी प्रूफ नहीं हुई है बात, पर समवेयर डाउन द लाइन ये ऐसी बातें चल रही है मेडिकल इंडस्ट्री में। विद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, हमारे जो जर्म्स होते हैं उनको क्लीन करता है, उसको हटाता है। जेंटली पॉलिश टीथ, देखिए आपको याद होगा एंशियंट एज में ना हम लोग भी एश से, चारकोल से टीथ क्लीन करते थे एक जमाने में, कई कुछ लोग सॉल्ट से करते थे, उससे क्या होता था एनामेल कट जाता था। हम उसके जो माइक्रो, जो हमारे जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते थे, जो पार्टिकल्स होते थे वो बड़े होते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एनामेल कट जाता था।
और हमारा जो चारकोल है आप उसको देखोगे कि कितना स्मूथ टीथ पे आप लगाओगे, कहीं पर भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो दांत को या टीथ को कहीं अफेक्ट कर रहा है, उसके एनामल को काट रहा है। रिमूव हार्श स्टेन, स्टेन भी हमारे इस चीज को रिमूव करता है। अब आ जाते हैं चारकोल पील ऑफ मास्क। जैसा चारकोल का मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट बताया कि चारकोल का मतलब ही होता है इम्प्योरिटीज को हटाना। 100% soap free remove blacks and white, remove oil and dirt, reduces wrinkles, instant glow. तो इस तरह की चीजें हमारा ये peel off mask देता है। फिर आ जाते हैं pain relief oil. Pain relief oil जो है बहुत ही अच्छा product है हमारा। ये कहीं ना कहीं हमारे घर में किसी ना किसी को चोट लगती है, किसी ना किसी को कुछ effect आता है, pain होता है। हमारे एल्डर्स होते हैं उनके जॉइंट्स में पेन होता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे हर्ब्स ऐसे मिले हुए हैं, नेचुरल हर्ब्स हैं जो दिखते भी हैं हमारी बॉटल में। इसमें यूकेलिप्टस ऑयल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूकेलिप्टस ऑयल अगर आप आयुर्वेद को थोड़ा सा पढ़ोगे तो यूकेलिप्टस ऑयल हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि किसी को पेन हो रहा है तो वो पेन को, और पेपरमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन होता है उसको लूज करता है। मींस पहले जो जमाने में जब ऑपरेशन हुआ करते थे तो हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं होता था, वहां पर हम लोग पेपरमिंट को जो है यूज करते थे एनेस्थीसिया की तरह, कि अगर हम पेपरमिंट को अगर यूज कर रहे हैं तो वहां से पेन और जो कनेक्शन होता है बॉडी का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पेपरमिंट होने की वजह से हमें वो दर्द का एहसास थोड़ा कम हो जाता है, और यूकेलिप्टस ऑयल बहुत ही अच्छा होता है पेन को रिलीफ करने के लिए। डीप पेनिट्रेशन करता है, अंदर तक जाता है, इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम पेन, मस्कुलर रिलैक्शन, रिड्यूस स्वेलिंग, पैराफिन फ्री, एलएलपी फ्री, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ये यूएसपी है हमारे प्रोडक्ट की। अब आ जाते हैं इंटेंस रिपेयर ब्लैक पर्ल शैम्पू। विद द गुडनेस ऑफ एलोवेरा फैंक्चुरी एंड एना, राइट। सो इसकी क्वालिटीज क्या है, ये सल्फेट फ्री होता है, प्रोटेक्ट हेयर फॉल, इंक्रीज स्ट्रेंथ, इरेडिकेट डेड स्किन, प्रमोट हेयर ग्रोथ, प्रिवेंट प्रीमैच्योर ग्रेइंग। 9-in-1 hair oil with the goodness of amla, brahmi, fenchery seed, olive oil, almonds and all extracts, right? Treat hair fall effectively, strengthen hair roots, promote hair growth, mineral oil free. Mineral oil ek bahut bada isme ek research hui hai jisme research karke pata chala hai ki mineral oils bhi cancer ke liye bahut hi हमारी बॉडी को इनवाइट करता है कि हमारी बॉडी में कैंसर हो। तो हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑयल प्रोडक्ट है उसमें मिनरल ऑयल नहीं है। आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में हैं जिनमें आप देखोगे कि मिनरल ऑयल लिखा रहता है। मिनरल ऑयल अगर किसी भी प्रोडक्ट में है तो हमें सजेस्ट करना है कि उसको यूज नहीं करना है, ना हमारी फैमिली में किसी को यूज करना है, जहां जिनको जानते हैं उनको यूज करना है, क्योंकि हमें, हम इस कैंपेन में काम कर रहे हैं, हम एप्सिनाइन में जरूर काम कर रहे हैं, पर हमें ये, हमने एक प्लेज लिया हुआ है कि हम लोगों को गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे और उनको इस तरीके से मोटिवेट करके एजुकेट करेंगे कि उनके घर में कैंसर ना आए कॉस्मेटिक की वजह से। ये नॉन ग्रीसी होता है और ग्रास रूट से बना होता है, रिलीविंग करता है, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है इसकी। इंटेंस एलोवेरा हेयर रिमूवल क्रीम विद द गुडनेस ऑफ एलोवेरा स्वीट आलमंड ऑयल एंड कोको बटर। देखिए जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं हेयर रिमूवल क्रीम, उसमें हम उसके साइड इफेक्ट्स देखे हैं कि कहीं ना कहीं वो स्किन को अफेक्ट करते हैं और ब्लैक इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। अगर हम बार बार केमिकल्स को यूज करते हैं या हेयर रिमूविंग यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक डार्क, एक सर्कल क्रिएट हो जाता है या डार्कनेस इन द स्क्रीन थोड़ी सी आ जाती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं, जो हमारी बॉडी में जो रफनेस आती है, जो चीजें आती हैं, उससे हम लोग जो है वो मॉइस्चराइजिंग क्रिएट करता है एक सरफेस पे हमारी स्किन पे, जिसकी वजह से वो इफेक्ट क्रिएट होता है और नेचुरली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा रीच होती है और हमारे टिश्यू रियलाइज होते हैं और वो डार्कनेस नहीं आता है। तो फर्म स्किन, मॉइस्चराइजिंग एंड नर्सिंग, नो स्किन डार्कनिंग, स्मूथ एंड हील, इरिटेटेड स्किन एंड 4-minute रिजल्ट। 4-minute रिजल्ट का मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट जो है 4 मिनट में आपको दिख जाता है। मीन्स इट इज इन अ फैसाइल मैनर यू कैन गेट द रिजल्ट। सो दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। फेस
फेस केयर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एब्सोल्यूट हाइड्रा बैलेंसिंग टोनर. आजकल की कॉम्पिटिटिव लाइफ में हम कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहे हैं कि लाइफ में हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं. और टायर्डनेस का एक बेसिक रीजन क्या होता है, आपको मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर आप फेस को रखो और आपके फेस पे हवा का झोंका भी लगता रहे, कोई पोल्यूशन भी नहीं हो, तब भी आप कुछ देर बाद, एक घंटे दो घंटे बाद, आपको फीलिंग आएगी कि आप टायर्ड फील कर रहे हो. वो टायर्डनेस क्या होता है, हवा का रेजिस्टेंस जो होता है वो हमको टायर्ड कर देता है हमारी बॉडी में. और ये टोनर क्या करता है, हमें रिजुनेट कर देता है, हमें रीअलाइव कर देता है, हमें एक एक इस हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कहीं ना कहीं हवा के रेजिस्टेंस की वजह से स्लो हो जाता है, हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, या ब्लड जो होता है उसका सर्कुलेशन फेस में उतना अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ड्राउजी फील करते हैं, हैवी फील करते हैं, बर्डन वाला फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं. तो उसको समझने के लिए क्या है कि हमारा जो टोनर है ये हमारा कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन को बहुत बढ़ा देता है, जिससे इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन होता है, फ्लैशेस आउट टॉक्सिन्स, रिमूव एक्सेसिव ऑयल, श्रिंक डाउन पोर्स एंड ट्रीट इफेक्टिवली. ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के हमारे फ्लो को अच्छा करता है, पोर्स को क्लीन करता है, तो हमें क्लीनिंग भी फील होती है और कहीं ना कहीं हम एक रीअलाइव और रीफ्रेश फील करते हैं. इंटेंस रिपेयर विद अ ट्री ऑयल, अपना ये एलोवेरा जेल है, अगेन बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. इसके रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छे हैं, मेरे से ज्यादा तो आप लोगों ने रिजल्ट देखे होंगे, एक्सपीरियंस किया होगा, लोगों ने आपको फीडबैक भी दिया होगा. विद द गुडनेस ऑफ टी ट्री ऑयल, पेंटाविटिन एंड ग्लेबरा एक्सट्रैक्ट, राइट. सो एंटी माइक्रोबियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है इसमें. एलोवेरा अपने आप में एंटीसेप्टिक है. लोग पहले बोलते थे कि अगर आप कहीं पर भी कट जाते हो या आपको कहीं स्किन में डैमेज होता है तो आप एलोवेरा एक्सट्रैक्ट को अगर आप लगा देते हो अपनी बॉडी में तो वो एंटीसेप्टिक का काम करता है. एलोवेरा मीन्स एंटीसेप्टिक. अपने जो आयुर्वेद में होते हैं हर्ब्स जो होते हैं उनमें एलोवेरा सबसे प्राइम ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एलिमेंट है, ऐसा प्लांट है जो एंटीसेप्टिक होता है. एक्ट एज ए मॉइस्चर रेगुलेटर. इसमें मॉइस्चर भी है अपने को, प्रोटेक्ट स्किन फॉर सन डैमेज, स्किन एजिंग, एंटी एजिंग, ट्रीट काम एंड सूथ एक्ने प्रोन स्किन. रोज एंड वाइन मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट, ये हमारा रोज एंड वाइन फेस वॉश. इसमें क्या होता है कि विद द गुडनेस ऑफ रोज एंड ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट, इसमें रोज के जैसे कि हमको पता है कि रोज एक ऐसी चीज होती है, अगर हम उसको अपने स्किन में यूज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तो फ्रेग्रेंस क्रिएट करता है और हमारे बॉडी का एक जो टोन होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बेटर कर देता है. इसके क्या खास बात है, विद द एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है इसमें. ये हमारी बॉडी में अगर कहीं फंगल इन्फेक्शन होता है या एंटी माइक्रोबियल कहीं जर्म्स होते हैं तो उसको क्लीन करता है. यूवी अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है हमको रेजिस्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेस को. स्किन कंडीशनिंग करता है, एक स्मूथनेस देता है स्किन में थ्रू क्लीनिंग, थ्रू रिजर्व स्क्रबिंग इफेक्ट्स. फोर्टिफाइड विद विटामिन ई. विटामिन ई जो भी चीज होती है विटामिन ई की, वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है. स्किन में अगर विटामिन ई हमको नरिश हो रहा है तो हमारी स्किन हमेशा रियलाइव रहेगी, हम एंटी एजिंग के अगेंस्ट में काम करेंगे और हमेशा अपनी एज से कम लगेंगे. अब पपाया फेस वॉश. पपाया एक बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है हमारी बॉडी के लिए. पपाया चाहे आप इंटेक करिए, चाहे उसको स्किन में लगाइए, बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट होता है. विद द गुडनेस ऑफ पपाया एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, इसमें भी हमने एलोवेरा डाला है बिकॉज एलोवेरा एक ऐसा नेचुरल हर्ब है जिसको अगर हम यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को मॉइस्चर क्रिएट करता है, हमको एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है हमारी बॉडी में. तो क्लींस ऑफ अ डेड स्किन, इसका बेस्ट यूज क्या है कि ये डेड स्किन को क्लीन करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज, स्किन हाइड्रेशन, स्किन सॉफ्टनेस, फोर्टिफाइड विद द विटामिन ई. गोल्ड फेस वॉश विद द गुडनेस ऑफ लिक्राइस एंड टर्मरिक विद द एलोवेरा एक्सट्रैक्ट. ये क्या करता है, इसका बेसिक फंक्शन ये है कि हमारी स्किन को, डेड स्किन को रिमूव करता है, डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को, क्लीन करता है, उसका ग्लो बढ़ता है,
इसको यूज करने से, इसके इसके यूज करने से हमारी बॉडी के जो फेस का जो फेस जो होता है उसका हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, सेल्स रीएक्टिव होते हैं, सेल की ग्रोथ अच्छी होती है, तो इस तरीके से हमारी स्किन एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पे भी काम करता है ये, तो इसलिए इसका नाम है यूथ एनरिचिंग फेस वॉश, इसको हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं। हनी एंड ओटमील स्क्रब विद द गुडनेस ऑफ हनी ओटमील एलोवेरा लाइम ऑलिव ऑयल एंड ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट। इसका सिंपल सा काम क्या है कि स्क्रब का आपको पता होता है कि बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारी डेड स्किन है उसको रिमूव करके फ्रेश स्किन को हमें डेवलप कर सके, उसको ग्रो कर सके, तो इफेक्टिवली टोन करता है हमारे स्किन पे जो कहीं ना कहीं एक स्पॉट्स होते हैं उसको करके इवन टोन करता है, इंस्टेंट रेडिएंट ग्लो ग्लो आता है हमारे बॉडी में और स्किन डेवलप होती है, स्किन स्किन सेल्स डेवलप होते हैं, प्रमोट सेल्स रिन्यूअल, जैसा बताया कि स्किन सेल्स डेवलप होते हैं, प्रमोट रफ पैचेस, अगर रिमूव हमारे कहीं से रफ पैचेस है तो उनको टोन करके उसको स्किन को थोड़ा सा ग्लॉसी बनता है, उसके सरफेस में फ्रिक्शन को लेस करता है, रिवाइटलाइजिंग द कॉम्प्लेक्शन, कहीं ना कहीं हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी ग्लो करता है, रिस्टोर इलास्टिसिटी, सब लोगों को बता apricot and almond scrub with the goodness of apricot almonds and lemon extract. इसका सबसे बेस्ट चीज क्या है कि draw out the deep set blockages. देखिए जहां कहीं भी लेमन आपको दिखेगा आप समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से क्लिंजिंग कर रहा है, क्लीन कर रहा है. लेमन एक बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो बॉडी में से जो इम्प्योरिटीज होती है उनको क्लीन करता है, हटाता है, तो ड्रॉप आउट दी सेल्फ ब्लॉकेज फ्रॉम द पोर्स, ये पोर को क्लीन करता है, जेंटल एक्सफोलिएशन करता है, स्मूदर एंड वाइब्रेंट कॉम्प्लेक्शन करता है, फर्मर एंड यंगर लुकिंग स्किन हो जाती है हमारी और रेडिएंट स्किन हो जाता है, डेड स्किन को भी क्लीन करता है. पर्सनल हाइजीन की जब हम बात करें, ऑर्गेनिक सनब्लॉक स्प्रे जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो विद द गुडनेस ऑफ जजोबा एंड एवोकाडो ऑयल. जजोबा एंड एवोकाडो ऑयल एक ऐसे ऑयल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, इनमें ओमेगा जो होता है, एंटी ओमेगा काफी ज्यादा होता है और नरिश करता है, फर्निश करता है हमारे स्किन जो स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको रियलाइज करता है, तो रिड्यूस स्पॉट, ये हमारे जो स्पॉट्स आ जाते हैं उनको रिड्यूस करने में बहुत अच्छा काम करता है, लाइटन स्किन टोन जो हमारे स्किन टोन को नेचुरली इवन टोन कर देता है, यूवीए और यूवीए प्रोटेक्शन जो हमारे अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उनसे प्रोटेक्शन करता है, स्किन को नरिश करता है, हाइड्रेटेड रखता है हमारे स्किन को और इवन स्किन टोन रखता है. क्लिंजिंग मिल, आपको सभी को पता है कि मेकअप को उतारने के लिए हम लोग क्लिंजिंग मिल इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा होता है विद द गुडनेस, और पर्सनली लोग भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं विद द गुडनेस ऑफ ऑलमंड ऑयल एंड ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट. ये हमारी इम्प्योरिटीज को भी हटाता है मेकअप के साथ साथ, मेंटेन मॉइस्चर बैलेंस, मॉइस्चर को बैलेंस करता है, रेडिएंट स्किन, स्किन को रेडिएंट करता है, चमकती रहती है, लीविंग स्किन सॉफ्ट द सपल, मतलब कहता है कि इसको स्किन जब हम कहीं पर भी किसी भी चीज की केमिकल को यूज करते हैं तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं एक ड्राइनेस आ जाती है, कहीं ना कहीं एक रफनेस आ जाती है, तो ये क्लिंजिंग मिल जो क्योंकि क्लिंजिंग मिल को थोड़ा फ्रिक्शन देना पड़ता है अपनी बॉडी में, तो वो फ्रिक्शन से जो रफनेस आती है उसको इवन टोन कर देता है, एकदम स्मूथ कर देता है हमारे स्किन को, वो रफनेस आने नहीं देता है, परफेक्टली रिफ्रेश स्किन, मतलब स्किन जो होती है रिफ्रेश फील करती है नेचुरली, हम ऐसा लगता है कि हम फिर से एक नई जिंदगी की तरफ पहुंच चुके हैं. ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर आपको पता है थोड़े से स्टिकी होते हैं, थोड़े से हमारे बॉडी में ऐसी चीजें देते हैं जो मॉइस्चर का कहीं पर भी आएगा, कोई भी ब्रांड आप देखो तो उसमें एलोवेरा का 100% एक्सट्रैक्ट होना ही है, अगर वो सही प्रोसेसिंग करते हैं तो एलोवेरा तो लाएंगे ही लाएंगे, और एलोवेरा हमेशा मॉइस्चर क्रिएट करता है जैसा मैंने पहले भी बताया, प्रमोट मॉइस्ट सप्लाई स्किन, शाइन फिनिश, स्टिमुलेट राइट प्रोडक्शन, हमारी स्किन को स्टिमुलेट करता है, डेवलप करता है ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से, वो भी अच्छा करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रीमैच्योर एजिंग, जो लोगों को प्रीमैच्योर एजिंग हो जाती है उससे भी उनको बचाता है, स्किन में जो एक जो स्किन का एक रिफ्लेक्शन होता है
आप अगर देखोगे, अगर आप टॉर्च या कोई अच्छी लाइट डालोगे अपने फेस पे, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो होती है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करती है और कुछ उसको रिफ्लेक्ट करती है। जिनकी स्किन को अगर आपको टेस्ट करना है कि उनकी स्किन बहुत अच्छी है, तो आप देखोगे जिनकी स्किन बहुत अच्छी होगी उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम नेचुरली भी देख सकते हैं कि कितना हम ग्रैप्स कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की स्किन में पोर्स पड़े हो जाते हैं या पोर्स में कुछ इम्प्योरिटीज फिल हो जाती हैं, तो वो जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट को उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी की वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि हमारी स्किन किस स्किन की क्वालिटी को भी ये मेंटेन करता है। एक्स्ट्रा फॉर्मिंग डे क्रीम, अगेन मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट विद द गुडनेस ऑफ ग्लीसी राइजा एंड ग्लैबरा एक्सट्रैक्ट। ये हमारे कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं हमारी ये रिचनेस होते हैं ओमेगा 3 की वजह से, और हमारे स्किन को एक विटामिन ई को प्रोड्यूस करते हैं और स्किन फ्रेंडली होते हैं। स्किन हाइड्रेशन प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग, लाइटर स्किन स्टिमुलेट्स कोलेजन एंड ब्राइटन स्किन ये करता है। फेस केयर पे अब आ जाते हैं, नॉर्मल ड्राई नाइट क्रीम या विद द गुडनेस ऑफ ऑलिव यूरोपिया एंड प्रूनस, इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस या समटाइम्स, रिवाइटलाइज स्किन। इसका सबसे अच्छा जो अपना बेस्ट चीज क्या है कि हमारे स्किन को रियलाइज करता है, सेल्स को रीएक्टिव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ऐड करता है, अच्छा करता है, और मॉइस्चराइजेशन इसमें रहता है, लूजन एंड रिमूव। हमको पता होता है कि दिन में हम जब थक जाते हैं ना, तो रात में जब जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा एक्टिव ब्रेन सो चुका होता है, तो पैसिव ब्रेन को हम फंक्शनिंग करने के लिए उस टाइम पे हमारी बॉडी पूरा अपने आप को रीडेवलप कर रही होती है, रीअलाइव कर रही होती है, रीफंक्शन कर रही होती है। हमको सब कुछ जितनी भी रिपेयरमेंट का काम होता है वो रात के टाइम पे होता है जब हमारा एक्टिव ब्रेन सो चुका होता है, तो उस टाइम पे ये क्रीम बहुत ही एक्टिव रहती है। हमारी स्किन के जो सेल्स कहीं डैमेज होते हैं, कुछ एक्टिव उनको करना होता है, उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना होता है, तो ये चीज बहुत अच्छा काम करती है। इसके प्रमोट सेल रिन्यूअल, तो अगर आपके जो सेल्स हैं कहीं डेड हो रहे हैं या कुछ डिके हो रहा है उनको, तो उसको रीअलाइव करने के लिए हम इस टाइम पे अगर क्रीम को यूज करेंगे तो वो फंक्शनिंग जो होती है, जो उसकी स्पीड होती है, वो बहुत तेजी हो जाती है और हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं। मॉर्निंग में जब हम उठेंगे तो अपने आप को एक नया फेस हमको मिलेगा, एक चमकता हुआ चेहरा। एंटी एजिंग प्रोग्राम, ये हमारा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो जैसे 40 के अबव जो लोग होते हैं, 35 के अबव जो लोग जाते हैं, 30 के ऊपर जाते हैं, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं हमारी चीजें होती हैं कि एंटी, हम थोड़े से स्किन में थोड़े से रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन में कहीं ना कहीं एक इफेक्ट आ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको इफेक्ट को हमको लाने के लिए इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, जिसमें कोको बटर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए, और स्किन को इवन टोन करके हम रफनेस जो होती है स्किन को खत्म करके और इलास्टिसिटी ऑफ जो स्किन होती है उसको भी बेहतर करता है। इसमें क्या होता है, मेंटेन स्किन डिफेंस बैरियर, जो इसमें स्किन कहीं ना कहीं हमारे स्किन बहुत सारी चीजों से लड़ते हुए एज में अफेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं डैमेज होती है, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए ये चीज क्या करता है कि हमारे जो रेजिस्टेंस होता है हमारी स्किन का उसको बढ़ाता है। इंटेंस मॉइस्चर बूस्ट, मॉइस्चर इसमें बूस्ट करता है, बढ़ाता है। एंटी रिंकल इफेक्ट, मतलब हमारी जो झुर्रियां होती है उनको हटा देता है। रिड्यूस फाइन लाइन, अगर कहीं पर लाइंस हैं तो उनको बेहतर कर देता है, उसको कम कर देता है। स्किन फॉर्मिंग, स्किन को फॉर्म करता है, जो हम देखते हैं कि स्किन कहीं लटकती है या वो होती है वो फॉर्म हो जाती है, सेम चीज उसका दूसरा वर्ड है इलास्टिसिटी ऑफ स्किन को बेहतर करता है। स्किन हाइड्रेशन, मतलब स्किन पे हमारे हाइड्रेटेड हम फील करते हैं, हमको ऐसा नहीं लगता स्किन ड्राई हो रही है। अब आ जाते हैं एंटी एक्ने प्रोग्राम। एंटी एक्ने प्रोग्राम अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ये है कि कहीं ना कहीं आज हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑयल होता है, वो एक्ने का काम कर देता है, वो एक्ने को प्रोवोक करता है, मोटिवेट करता है हमारे स्किन में आने के लिए। तो ये एंटी एक्ने जो फंक्शनिंग है हमारी, ये बहुत अच्छी है। इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड टी ट्री ऑयल का यूज है, नीम का भी इस्तेमाल किया है। नीम हम सभी जानते हैं कि जो एक्ने के लिए बहुत ही नेचुरल, आयुर्वेदा में ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि बहुत ही अच्छा यूज होता है नीम से।
तो ये क्या करता है, अनक्लॉक करता है पोर्स को, प्रोब जो हमारे ऑयल जो फिल हो जाता है हमारे उसको उसको अनक्लॉक करता है और फिल ओपन करता है, रिड्यूस एक्ने इस तरह से हमारे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी स्किन में जितना जाएगा क्लॉक रहेगा तो ऑक्सीजन उतना ले नहीं पाएगा, हम स्किन से भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो इफेक्ट वो पोर्स को क्लीन करता है, उससे ऑक्सीजन एंटर होती है और हमारी स्किन सेल्स जो होते हैं वो री अलाइव होते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, रिड्यूस एक्ने, डीपली एक्सफोलिएट करता है, क्लींजेस विदाउट ओवर ड्राइंग, हमारी जो ड्राइंग स्किन होती है उसको रिड्यूस करता है, मेंटेन मॉइस्चर बैलेंस, मॉइस्चर को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में स्किन में, इस तरीके से हम लोग एक्ने से फाइट कर सकते हैं, एक्ने से ट्रीट कर सकते हैं, एक्ने का रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं। ब्लेमिश एंटी ब्लेमिश प्रोग्राम कैसा है अपना, विद द गुडनेस ऑफ पपाया एंड बहुत सारे ऐसे एक्सट्रैक्ट्स है जो हमारे एंटी ब्लेमिश इफेक्ट को हमारे को बेहतर करते हैं, हमारे स्किन को बेटर करते हैं, रिड्यूसेस एज स्पॉट, अगर हमने देखा होगा कि हमारी बॉडी में कहीं ना कुछ चोट लगती है, किसी तरह के होते हैं तो हमारे स्पॉट्स आ जाते हैं, उनको रिड्यूस करने के ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखते हैं हमको, आप यंग दिखोगे इसको यूज करने के बाद, ब्राइटर एंड सॉफ्टर स्किन होगी, रिड्यूस अपीयरेंस ऑन अनइवन स्किन, स्किन आपकी अनइवन नहीं होगी, जेंटली एक्सफोलिएट्स करता है डेड स्किन सेल्स को, मतलब कि डेड स्किन, देखिए दो चीजें होती हैं, कैंसर भी जो होता है ना वो कहीं ना कहीं स्किन को सेल्स को डेड करने की प्रक्रिया होती है, और अगर हम ऐसे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं जो स्किन को री अलाइव कर रहा है, तो वो कॉस्मेटिक सबसे अच्छी चीज होती है जो हमारे स्किन को री अलाइव करती है नेचुरली, तो हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो स्किन डेड स्किन को हटाता है और जो नई स्किन होता है उसको और एक्टिवेट करता है और प्रोम्प्ट करता है और बेहतर करता है, इससे हम एंटी ब्लेमिश ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ब्लीच क्रीम विद द गुडनेस ऑफ ग्रेप्स, आलमंड एंड सीसम एंड ऑयल, मोरिंगा एंड रोज एक्सट्रैक्ट्स, लाइटन द स्किन एंड हेयर, ये हमारे स्किन को लाइट करता है एंड हेयर को भी, जो डार्क दिख रहे होते हैं जिसको हमको फेस पे अगर छुपाना होता है तो हम इसको ब्लीच से यूज करके उसको गोल्डन कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, तो विजिबिलिटी और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। प्रोटेक्ट स्किन इन्फ्लेमेशन, बहुत सारे आपने ब्लीच यूज किए जितने हार्ड केमिकल्स यूज होते हैं हमारे स्किन को, वो अगेन वो एक इन्विटेशन हमारे फेस पे लिख देते हैं या हमारे बॉडी पे लिख देते हैं कि कैंसर यू आर काइंडली वेलकम टू कम इन आवर बॉडी और इन आवर फैमिली, तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कैंसर को लिख देता है भाई तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है। तो स्किन में इन्फ्लेमेशन, अगर बहुत सारे ब्लीच से ऐसा देखा गया है कि सूजन आ जाती है, एक स्वेलिंग आ जाती है हमारे बॉडी में स्किन में, तो वो इन्फ्लेमेशन को रोकता है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, अगेन एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को इंक्रीज करता है, स्किन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर सकती है या एंटीऑक्सीडेंट उसमें प्रॉपर्टी होती है तो ऑक्सीजन हमको हमारे सेल्स में ज्यादा से ज्यादा आ सकती है तो वो री अलाइव रहते हैं, री फ्रेश रहते हैं, फिर स्किन को फेयर करता है, ब्यूटीफाइंग करता है आपको, तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं ब्लीच क्रीम के। अब आ जाते हैं 24 कैरेट गोल्ड फेशियल किट विद द गुडनेस ऑफ अगेन गैबरा लेमन एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, रेडिएंट एंड रिफ्रेश स्किन, रेडिएंट एंड रिफ्रेश स्किन, टाइटन द स्किन, रिड्यूसेस द रिंकल्स, लाइटन द एज स्पॉट, इंप्रूव द स्किन कॉम्प्लेक्शन, ये हमारे स्किन के टोन को बेहतर करता है, रेडिएंट करता है, चमकदार बनाता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, जो एज स्पॉट होते हैं हमारे बॉडी में जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं कहीं ना कहीं एज स्पॉट आ जाते हैं उसको बेटर करता है, लाइटन करता है, इंप्रूव द स्किन कॉम्प्लेक्शन, इससे हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बेटर होता है। तो गोल्ड किट जो होता है जो नॉर्मल फेशियल किट में आता है उसको करने से हमारी स्किन एक फ्रेश फील करोगे, अगर आप एक बार यूज करते हो तो ऐसा समझा जाता है कि आप एक साल से डेढ़ साल अपनी स्किन को बेहतर बना लेते हो, कम बना लेते हो एज वाइज में। हर हमको पता होता है हर किसी की एक मेंटल एज भी होती है, एक बायोलॉजिकल एज भी होती है,
और एक स्किन की भी एज होती है, तो स्किन की एज जो है इसमें लगभग एक एक साल आप रिड्यूस कर सकते हो एक बार यूज करने से। ब्लूबेरी एंड वाइन फेशियल किट, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे, ऐसा सोचेंगे भी कि ऐसा 60 बार यूज कर लिया किसी की 60 साल की एज है तो वो जीरो पहुंच जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, उसका एक इफेक्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर एक बार कोई यूज करता है तो उसका इफेक्ट लगभग एक साल पीछे जाने का होता है, वो रिवर्स में चलने लगता है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि वो 60 बार यूज करने से जीरो ईयर का हो जाएगा, फिर से पैदा हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं होगा। गुडनेस ऑफ विट्सी विनेफ्रा वाइन एंड ब्लूबेरी एंड रोज एक्सट्रैक्ट, ये क्या करता है ब्लूबेरी वाइन एंड फेशियल किट, अगेन ये फेशियल किट है, आपको पता है ब्लूबेरी बहुत ही अच्छा होता है, इसमें विटामिन ई होता है, ओमेगा 3 होता है, तो हमारी जो बॉडी को बहुत ही नरिश करता है, सेल्स को रिजुनेट कर देता है, फ्रेश कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, रिमूव इम्प्योरिटीज को बढ़ाता है, एंड सपल द स्मूथ सीलिंग, एक स्मूथ सीलिंग हमारी स्किन में डेवलप कर देता है। तो ये जो लोगों को अपने चेहरे पे चमक ग्लो और उनके वो रेजिस्टेंस जो है, जो एक नेचुरल खूबसूरती को बढ़ाना है, तो वो इस फेशियल किट को यूज कर सकते हैं। पपाया स्क्रब सोप, विद द गुडनेस ऑफ पपाया एंड ओटमील, लाइटन योर स्किन, ये सिंपल क्या करता है, पपाया मैंने आपको पहले बताया कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, तो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये लाइटन योर स्किन, आपके स्किन को लाइट करता है, जो भी डेड स्किन्स होती हैं, उनको हटाता है, इम्प्योरिटीज को लिफ्ट अप करता है, हटा देता है, क्लीन कर देता है, ब्राइटर एंड स्मूदर कॉम्प्लेक्शन, यूवीए प्रोटेक्शन भी देता है आपको। चारकोल सोप बार, देखिए हमारे ये जो सोप्स हैं और दूसरे के जो आते हैं डिटॉल, वो कार्बोलिक सोप हैं और हमारे दूसरे नेचुरल एक्सट्रैक्ट पे बने सोप हैं। आजकल इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, आजकल कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी फैमिली कार्बोलिक सोप यूज नहीं करना चाहता, हर आदमी ऐसे सोप यूज करना चाहता है जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट पे बने हो, जो हमारी बॉडी को ये प्रॉमिस करे कि उनकी बॉडी में इस प्रोडक्ट को यूज करने से कैंसर नहीं आता। और ऐसे रिसर्च की हुई है, कार्बोलिक सोप जो होते हैं बहुत ही ज्यादा हमारी सेल्स को डेड करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, तो हम ये बात अपने क्लाइंट्स को और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। विद द गुडनेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड एक्सट्रैक्ट वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल आपने सुना होगा कि ये बहुत ही अच्छा है, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि कैस्टर ऑयल एक ऐसी मेडिसिन है ना जो आयुर्वेदा में यूज की जाती है, एंटी कैंसरस उसको कंसीडर किया जाता है, किसी को अगर लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर है या कहीं पर कैंसर की कोई गांठ बनी है, ट्यूमर बना है, तो वहां पर अगर हम डायरेक्टली उसको कैस्टर ऑयल या कैस्टर का जो पेड़ होता है उसके जो पत्तियां लीव्स होती हैं, अगर हम उसको गर्म करके लगाएं तो कहीं जो कैंसर की जो गांठें होती हैं, जो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको वो क्लीन कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छी नेचुरल हर्ब है आयुर्वेद की, आप उसको गूगल भी कर सकते हो, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर कैंसर। तो इसको हमने यूज किया है अपने चारकोल सोप बार में, ये अपनी डेड स्किन को रिड्यूस करता है, एक्सेस ऑयल जो हमारी बॉडी में निकलता है उसको रिड्यूस करता है, ट्रीट एक्ने, एक्ने को ट्रीट करता है, ब्लैक हेड्स जिनके हो जाता है नाक पे, नोज पे, फेस पे, उसको भी हटाता है, मेक स्किन टाइटर एंड फर्म, ऑफकोर्स जो सारी चीजें अच्छी होंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इम्प्योरिटीज नहीं रहेंगी, तो हमेशा टाइटर एंड फर्म हैवी, अच्छी इलास्टिसिटी वाली स्किन हो जाएगी हमारी, और हम अपनी एज से थोड़ा सा छोटा लगने स्टार्ट हो जाएंगे। मुल्तानी मिट्टी एंड डेजी एक्सट्रैक्ट सोप्स, राइट, विद द गुडनेस ऑफ मुल्तानी मिट्टी, डेजी एक्सट्रैक्ट, कोकोनट एंड सीड आलमंड, इसका बेस्ट चीज यूज क्या है, कहाँ किनको यूज करना चाहिए, सॉफ्ट एंड सपल स्किन, जिनको अपनी स्किन को क्लीन करना है, सपल करना है, उनको यूज करना चाहिए, नेचुरल मॉइस्चराइजर, इसमें मॉइस्चराइजेशन नेचुरल वे में है, अगर किसी की ड्राई स्किन रहती तो उसको यूज करना चाहिए, स्किन प्यूरिफिकेशन, स्किन को प्यूरिफाई करता है, ब्लेस करता है, और स्मूथ स्किन को, स्मूथ में जो फ्रिक्शन होता है स्किन में उसको रिड्यूस करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, आपका कलर फेयर हो जाएगा, इससे इस तरीके के प्रॉमिस ये प्रोडक्ट करता है। बॉडी केयर,
शिया एंड कोका बटर सोप विद द गुडनेस ऑफ शिया कोका बटर स्वीट ऑलमंड्स एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट स्किन प्रोटेक्शन रिस्टोर स्किन नेचुरल मॉइस्चर ट्रीट ड्राई क्रैक्ड स्किन स्किन रिन्यूअल सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन ये क्या करता है स्किन का प्रोटेक्शन करता है रिस्टोर करता है नेचुरल मॉइस्चर क्रिएट करता है ड्राई और क्रैक्ड स्किन जो होती है उसको बेटर करता है वो जो फ्रेशनेस होती है स्किन में वो लाता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी बेहतर करता है स्किन रिन्यूअल सॉफ्ट एंड स्मूथ स्किन कर देता है तो इस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं बता सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में ड्राइनेस है तो आप अगर अपने स्किन को प्रोटेक्शन करना चाहते हो तो ये मॉइस्चर को इसको यूज करके बॉडी केयर को यूज करके आप कर सकते हैं लेमन एंड जिंजर सोप विद द गुडनेस ऑफ लेमन जिंजर कोकोनट एंड ऑलिव ऑयल लेमन अगेन जहां पर भी लेमन आएगा वो हमेशा क्लींस करेगा हमारी स्किन को लाइटन योर स्किन करेगा स्किन ये बहुत ही अच्छा क्लींजर होता है लेमन लाइटन योर स्किन ये स्किन को लाइट करता है स्किन नरिश करता है हील करता है बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्स को ओपन करता है डीप रिफ्रेशन करता है इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन जब हम सारी चीजें क्लीन होंगी बेहतर होंगे और जिंजर का रोल क्या होता है कि जिंजर ब्लड सर्कुलेशन करने में बहुत अच्छा होता है तो जितना ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होगा स्किन उतनी ग्लो करेगी उतना ही आप बेटर फील करोगे और अच्छा हेल्दी फील करोगे आप एक्सटर्नली नहीं इंटरनली भी आप बेटर फील करोगे बॉडी केयर शॉवर जेल हमें पता है कि शॉवर जेल आजकल सभी लोग अब सोप से कम और शॉवर जेल से यूज करने लगे हैं एक क्लास ऑफ पीपल है जो शॉवर यूज कर रहा है शॉवर जेल विद द गुडनेस ऑफ ऑलमंड्स एलोवेरा एंड लेमन एक्सट्रैक्ट स्किन हाइड्रेशन करता है पैम्पर योर स्किन करता है रिच मॉइस्चराइजेशन करता है नरिशेस करता है स्किन को स्किन का प्रोटेक्शन करता है जेल स्क्रब विद द गुडनेस ऑफ वॉलनट शेल एंड एलेंट ऑयल एक्सट्रैक्ट राइट जेंटल एक्सफोलिएशन करता है क्लीन क्लियर अवे स्किन इंप्योरिटीज रिमूव डेड सेल्स क्लियर अवे टॉक्सिंस पॉलिश करता है सिल्की स्किन करता है ट्रूली ऑलिव बॉडी बटर ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसके रिस्पॉन्सेज मुझे बहुत पहले मतलब मेरे ज्वाइन करने से पहले ही मैंने बहुत सारे रिस्पॉन्सेज सुने थे कि इसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है विद द गुडनेस ऑफ एलो एक्सट्रैक्ट अगेन मॉइस्चर जहाँ भी देना है वो एलोवेरा तो आएगा ही एलेक्सर द रफ एंड ड्राई स्किन ड्राई स्किन जहाँ भी होती है जहाँ रफनेस होती है उसको बेटर करता है स्मूथ करता है रिस्टोर स्किन सप्लेनेस करता है प्रमोट इलास्टिसिटी करता है स्किन स्मूथनिंग करता है स्किन पॉलिशिंग करता है और सबसे बेस्ट चीज क्या है कि ये एक हमें लगता है कि मॉइस्चर क्रिएट करता है हमारे और बेस्ट चीज क्या होती है जब हम मॉइस्चराइजर कोई भी लगाते हैं ना तो वो हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं ना उनमें फिल हो जाता है और वो फिर निकलता नहीं है समवेयर डाउन द लाइन पर हमारा जो ये है इसका सबसे बेस्ट चीज क्या है कि हमारे पोर को फिल नहीं करता है हमारे पोर फिर भी ऑक्सीजन को इनटेक कर सकते हैं इनहेल कर सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग अल्टीमेट हेयर थेरेपी कोकोनट ऑयल विद द गुडनेस ऑफ कोकोनट आमला आर्गन हिबिस्कस एंड सनफ्लावर ऑयल सॉफ्ट एंड हेयर फॉलिकल्स अगर हम इस प्रोडक्ट को कोकोनट ऑयल को अगर हम यूज करते हैं इसमें बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं जो हमारे सर के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं हेयर फॉलिकल्स को सॉफ्टन करते हैं स्कल्प को हाइड्रेटेड रखते हैं डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया फंगल कॉलोनीज को डेवलप नहीं होने देते हैं हमारी बॉडी में हमारे स्किन में क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर हेयर ग्रोथ राइट तो हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में अब हम आ जाते हैं हेयर केयर पे जिसमें आते हैं ग्रीन एप्पल शैम्पू का भी बहुत अच्छा उसमें आर्गन ऑयल और ये इस तरह की चीजें हैं ये भी हमारे बॉडी को बहुत अच्छा प्लेस करता है बहुत ही अच्छी हमारे डैंड्रफ कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फूड क्रीम विद द गुडनेस ऑफ ऑलमंड ग्रीन टी ब्लैक सीड एंड ऑलिव ऑयल रिस्टोर स्किन सॉफ्टनेस ट्रीट ड्राइनेस रिट्रीव इरिटेटेड स्किन
हैंड सैनिटाइजर, आपको सबको पता है कि कोरोना की वजह से कितना सैनिटाइजर का कितना कंजम्पशन है, लोग अफेक्टेड हो गए हैं, और जर्म्स को क्लीन करने के लिए अब हर आदमी जो खाने से पहले एक कहीं ना कहीं यूज कर रहा है अपने सैनिटाइजर को. विद द गुडनेस ऑफ रोज वाटर एंड लिकोराइज विच हेजल एक्सट्रैक्ट, बीबी क्रीम, जो सबको पता है बीबी क्रीम मॉइस्चराइजेशन देती है, हेल्दी स्किन एंड ग्लोइंग स्किन देती है, कवर स्मॉल इम्परफेक्शन एंड रेडनेस एंड सन प्रोटेक्शन देती है, क्रिएट करती है. एंटी एजिंग के लिए भी लोग बीबी क्रीम को यूज करते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं अपने अपनी बीबी क्रीम की. सीसी क्रीम ये कहीं कॉम्प्लेक्शन केयर को करती है, अगर किसी को ग्लो करना है, दिखना है अच्छा, तो वो कॉम्प्लेक्शन के लिए सीसी क्रीम का इस्तेमाल होता है. और बीबी क्रीम नॉर्मली आप जो डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो अपने आप को ब्यूटीफाई दिखाने के लिए बीबी क्रीम का इस्तेमाल होता है. इंटेंसिवली हाइड्रेटिंग, ये हाइड्रेटिंग करती है, स्किन शील्ड करती है, सन डैमेज से बचाती है, इवन आउट स्किन कॉम्प्लेक्शन. हम बाहर जाते हैं सन रेज होती है तो हमारे कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, उससे भी बचाती है. कवर स्मॉल इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन को कवर करती है, स्किन ब्राइटनिंग करती है. वेगी वॉश ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही, अगर इसको स्मार्टली सेल किया जाए ना तो हर घर में इसकी जरूरत है. अगर इसको नई इस्तेमाल हम नई तरीके से पोजीशन करें तो इसको कोई खरीदने वाला नहीं है. आपको बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं, आज हम छोटी सी बात है कि हम हमारी बॉडी में ना एसिटिक बनता है, एसिड बनता है, HCl फॉर्म होता है, और एसिड को बैलेंस करने के लिए हमें बेस की जरूरत होती है, हमें अल्कलाइन चीजों की जरूरत होती है. तो हम जो वेजिटेबल्स यूज करते हैं उसमें केमिकल भी यूज होते हैं, तो जिसकी वजह से उनका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से नीचे आ चुका होता है. तो वेजी वॉश जो है, इससे अगर हम अपनी वेजिटेबल्स को क्लीन करेंगे, लौकी को क्लीन करेंगे और सारी वेजिटेबल्स को क्लीन करेंगे, तो उनकी एल्कलाइन प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है. अगर आप इस प्रोडक्ट के बिना किसी प्रोडक्ट को पीएच वैल्यूज की निकालोगे तो हो सकता हो उसमें केमिकल अगर ज्यादा यूज किए हो तो वो 7 से नीचे निकले. तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि हम लोगों को एल्कलाइन, अगर मेरे अपने आप कैंसर आएंगे, आप कितना भी कॉस्मेटिक से बचो क्यों ना, खाना अगर आप एसिडिक खाओगे हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा बनेगा, फॉर्म होगा, लीवर वीक होगा, स्किन में चीजें डैमेजेस आएंगी, स्किन में रैशनेस क्रिएट हो जाएंगे. अगर हम अच्छे पीएच का ऑर्गेनिक और एल्कलाइन फूड खाएंगे तो हम अगर इससे इस वेजिटेबल्स को धोते हैं तो उसका पीएच वैल्यू अपने आप चेंज हो जाता है. इसका पीएच वैल्यू अगर इस प्रोडक्ट से धो के अगर हम खाते हैं तो अगर किसी का पीएच, सब्जी का पीएच वैल्यू 7 है तो उसका पीएच वैल्यू जो है वो 9 के आसपास आ जाता है. लाइम हैंड वॉश विद द गुडनेस ऑफ लाइम, डीप क्लींजिंग, सॉफ्ट एंड सपल स्किन करता है, स्किन हाइड्रेशन करता है, एनरिच करता है. लेवेंडर हैंड वॉश भी अपना, इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं. विद द गुडनेस ऑफ लेवेंडर स्मेल बहुत अच्छी है, इसके डीप क्लींस करता है, स्मूथ करता है हैंड को, स्किन प्रोटेक्शन करता है, यूजफुल ऑफ सेंसिटिव स्किन, स्किन हाइड्रेशन. लिप बाम विद द गुडनेस ऑफ फ्रेडेरिया वेस्का, स्ट्रॉबेरी जिसको कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड शिया बटर एंड जोजोबा ऑयल्स. अगेन ये बहुत ही अच्छा ग्लॉस स्टिच करता है, नरिश करता है, लेट्स को कीप लेस मॉइस्ट, मॉइस्चराइजेशन देता है, स्मूथनेस देता है, तो फोर्टिफाइड एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है हमारे स्किन को, जिससे हमारे स्किन एनरिच विद द विटामिन ई. तो ये विटामिन ई से फ्लरिश भी होता है, स्किन भी बेटर रहती है और हमारी ग्लॉस भी क्रिएट करता है. फोस्टर शेविंग फोम विद द गुडनेस ऑफ पोमग्रेनेट एलोवेरा एंड विटामिन ई, विटामिन ई kills 99.9% germs को क्लीन करता है, प्रिवेंट करता है imperfection को, एंश्योर करता है टोटल हेल्थ हाइजीन, नॉन स्टिकी एंड ड्राई क्विकली. नॉर्मली फोम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो इतना ज्यादा आपके सरफेस टेंशन को कम नहीं करता. हम फोम इसलिए लगाते हैं जिससे हमारे स्किन की सरफेस टेंशन कम हो सके और हम जब शेव करें तो वो क्लीन बहुत अच्छे तरीके से हो, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो चुका हो. तो इस वजह से इसका सरफेस टेंशन काफी अच्छा कर देता है और जम्स को भी किल करता है, स्टिकी भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. बॉडी स्प्रे विद द गुडनेस ऑफ प्रोलोप्रोपाइलीन ग्लाइकोट्राइक्लोसन 24 आवर्स प्रोटेक्शन देता है, स्मूथनेस देता है, फ्री एंड टॉक्सिन, नॉन गैस डीओ सीएफसी. जैसे मैंने बताया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे नेचुरल जो स्किन के जो अपना स्किन बोल रहा हूँ
ओजोन लेयर को डैमेज करता है, वो डैमेज नहीं होती है इससे। अब हम आ जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट जो अभी सीरीज जो हमने लॉन्च की है, उसका नाम है ऑर्गोनॉल। आर्गन एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि हम बादाम यूज करते हैं, आलमंड यूज कर सकते हैं। उसमें जो होता है आर्गन को हम लोग लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे महंगा ऑयल है और ये इसमें एंटी ऑक्सीडेंट रिचनेस होती है, हाई इन ओमेगा 6 होता है, फैटी एसिड होता है, वाइटामिन ई होता है। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही महंगा होता है। पर ये सबसे अच्छा, सबसे अच्छी क्वालिटी का आर्गन जो मोरेको में मिलता है, तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो मोरेको का ही ऑर्गन ऑयल यूज कर रहे हैं। और दिस इज इन कल्चर, दिस इज इन फैशन, एवरीबडी, आज ये ट्रेंड है। आज हर सभी घर में आर्गन को पता है कि आर्गन एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट होती है, ऑयल होता है, सब कोई इसको जानता है। लोग अब इस, ये ट्रेंड बन चुका है आर्गन ऑयल यूज करने का। आर्गन ऑयल क्या करता है, हाइड्रेट करता है स्किन को, रिड्यूसिंग इचिंग, फ्लैकीनेस हमारी उसको रिड्यूस करता है, हमारी स्किन में जो इचनेस होती, खुजली होती है उसको कम करता है। आर्गन ऑयल इज अ सेफ टू यूज फॉर दोज ऑयली स्किन। ये ऑयली स्किन पे भी काम करता है, जिनके पोर्स बंद रहते हैं उनके लिए भी काम करता है, ड्राई स्किन में भी काम करता है, और जो सेंसिटिव स्किन होती हैं जिनको कोई और भी बीमारी होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। आर्गन ऑयल के बेनिफिट्स जो होते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन बाय हाइड्रेटिंग, बैलेंसिंग एंड ऑयल प्रोडक्शन। मतलब अगर किसी के स्किन में नेचुरल और ज्यादा ऑयल निकल रहा है तो उसको भी रिड्यूस करता है, और किसी की स्किन ड्राई रहती है तो उसको भी बैलेंस करता है। तो ये हर ऑल टाइप ऑफ स्किन ऑयल, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एंड दैट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। थोड़ा महंगा जरूर होता है क्योंकि हम जानते हैं इसको, इट इज अ लिक्विड गोल्ड। आर्गन ऑयल की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कीप द स्किन हाइड्रेटेड, हेल्प द ट्रीट एक्ने। आपको अगर एक्ने है तो आप इस तरह और आर्गन ऑयल के जो नेचुरल ऑर्गन ऑयल मोरेको को उसके प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको एक्ने में भी ट्रीट करता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को भी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है तो एंटी एजिंग भी अच्छा करता है। रिड्यूस ऑयलीनेस, आपके ऑयल होगा तो उसको कम कर देगा। इवन आपके ड्राई स्किन होगी तो भी उसको बैलेंस करता है। एक्सफोलिएट द स्किन, जो डेड स्किन होती है उनको भी हटा देता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन डैमेजेस, जो सन डैमेजेस होते हैं उनके, उनसे भी आपको डैमेज को रोकता है आपकी स्किन से। ब्राइटन स्किन को ब्राइट करता है। फेड डार्क स्पॉट, कहीं पर डार्क स्पॉट होते हैं तो उनको भी बैलेंस करता है। होल बॉडी मॉइस्चराइजर क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। ऑयल एंड स्केल्प एंड हेयर ऑयल, ऑर्गन ऑयल ऑन स्केल्प, मतलब अगर हम सर पे अगर ऑर्गन ऑयल को यूज करते हैं तो वो क्या किस तरीके से काम करता है हम उसके बारे में जानते हैं। नेचुरली हेयर कंडीशनर का काम करता है, स्मूथनर एंड इची स्केल्प का काम करता है, प्रिवेंट हीट डैमेजेस। हमको पता है कि सर पे अगर हमारे हीट आ रही होती है तो उसको भी कंट्रोल करता है। ट्रीट हेयर लॉस, जिनके हेयर लॉस हो चुके होते हैं उनको भी ट्रीटमेंट देता है। बूस्ट शाइन, शाइन को भी बूस्ट करता है हमारे। रिड्यूस, आपको देखा होगा कि बहुत से लोगों के बॉल जो होते हैं वो फिजी से हो जाते हैं, फस से जाते हैं, उसको रिड्यूस करता है। सन प्रोटेक्शन करता है, फुलर एंड हेल्थियर हेयर करता है, एनकरेज हेयर ग्रोथ। अब इसके जो आर्गन अपना, ये प्रोडक्ट जो फोम फेस केयर पे जो अपना प्रोडक्ट है, मोरेकन फोमिंग फेस वॉश, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये हमारे स्किन को क्लीन करता है। मॉइस्चराइजिंग करता है हमारी स्किन को, इंस्टेंट ग्लो देता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच करता है। देखिए आप इसमें देखे होंगे कि इसकी जो पैकेजिंग है ऊपर फोम लगा हुआ है, जिसको अगर हम रब करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करता है और स्किन में भी बहुत फंक्शनिंग अच्छी है। तो और बाकी आर्गन ऑयल की जो अपनी बेस्ट चीजें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये फंक्शनिंग तो देगा ही देगा, स्किन भी ब्राइटन करता है। मोरेको आर्गन बॉडी वॉश विद द गुडनेस ऑफ मोरेकन एंड आर्गन स्पिनोजा ऑलिव यूरोपेरिया पाइरस मलुसी ग्रीन एप्पल एंड सिट्रस लेमन एक्सट्रैक्ट रिन्यू स्किन। ये स्किन को रिन्यू करता है, रिफ्रेशेस करता है स्किन को, प्रिजर्विंग द स्किन, प्रोटेक्शन बैरियर्स, स्किन रिजुनेशन करता है, स्किन को रियलाइज करता है, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को डिजॉल्व कर देता है। मोरेको ऑर्गन सोप बार,
with the goodness of Moroccan organ, castor oil, coconut oil, clean the smooth, soothing skin करता है हमारे skin को smooth कर देता है, clean मतलब smooth कर देता है एक तरह से, moisturize कर देता है skin को, skin hydration देता है, softness करता है skin को, protect natural glow करता है. अब Moroccan organ body lotion जो है वो again ये वेलवेट जैसे चिकना होता है वैसे ही स्मूथी ग्लोइंग स्किन कर देता है, अल्ट्रा नरिश करता है हमारी बॉडी को, हमारे स्किन को सूदेस कर देता है और डीपली हाइड्रेट करता है, मतलब जो लेयर्स होती है हमारी स्किन की उसमें डीपली जाके उसको हाइड्रेटेड कर देता है, स्किन प्रोटेक्शन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है. अगेन ये सारे प्रोडक्ट जो है ये एक प्रॉमिस करते हैं कि हमारी बॉडी में कैंसर नहीं होगा. Moroccan organ शैम्पू, शैम्पू की बात करें अल्ट्रा स्मूथ एंड शाइनी हेयर, डीप क्लींजिंग, रिविटलाइज हेयर्स करता है, रिस्टोर करता है हेयर केयर में. और हमारे जो कंडीशनर है विद द गुडनेस ऑफ इंडल्ज इनटू रिच सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस हेयर्स, स्ट्रेंथनिंग हेयर, रिड्यूस हेयर लॉस, इंप्रूव हेयर इलास्टिसिटी. Moroccan organ हेयर ऑयल विद द गुडनेस ऑफ Moroccan organ कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर सीसम ऑयल, ब्लैक सीड एंड ट्री सी ऑयल. सॉफ्टन हेयर, हेयर को सॉफ्टन करता है, फुलन एंड हेल्दियर करता है, हेयर प्रोटेक्शन करता है, कंट्रोल डैंड्रफ करता है. तो डैंड्रफ के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हेयर ऑयल, अगर किसी को डैंड्रफ है तो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट और यू कैन ऑल्सो सजेस्ट. लेफी पेरिस नेल लेकर, पैशन फॉर फैशन इन द मोस्ट कलरफुल वेज. द बेस्ट थिंग इज दैट हमारा ये लेकर जो हमारा नेल पेंट है ये पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, इसमें वेगन है, 100% वेजिटेबल्स कलर्स को यूज किया गया है, फ्रेश कलर्स हैं, एक्साइटिंग टेक्सचर्स हैं इसके, इसके टेक्सचर का ब्यूटीफिकेशन आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा, यू विल अप्लाई एंड यू एंजॉय दैट. अब यूएसपी अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो हम पहले भी जान चुके हैं, डेमो प्रोडक्ट्स विद द बेस्ट रिजल्ट्स. अब हम इस पे आ जाते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट पे कौन से डेमो, हमारे डेमो के लिए कौन से प्रोडक्ट जो बहुत अच्छे हैं. चारकोल फेस वॉश है ये डेमो के लिए बहुत अच्छा है, रोज एंड वाइन बहुत अच्छा है, हनी एंड ओटमील स्क्रब बहुत अच्छा रिस्पांस देता है, चारकोल पील ऑफ मास्क का बहुत अच्छा रिजल्ट है और टेन ऑयल भी हम लोग यूज कर सकते हैं डेमो में. तो दीज आर द डेमो प्रोडक्ट्स व्हिच आर हैविंग द हाईएस्ट एंड द बेस्टेस्ट रिजल्ट्स. ये इंस्टेंट फेयरनेस हर्बल ब्लीच है अपना, एब्सोल्यूट हाइड्रा बैलेंसिंग टोनर है, डीप रिस्टोरेटिव क्लिनिक मिल्क है अपना, एलोवेरा जेल है. तो ये दीज आर द डेमो प्रोडक्ट जो हमको यूज करने चाहिए अपने उसमें. सीजन वाइज प्रोडक्ट पे हम बात कैसे कर रहे थे कि हम कौन से सीजन में कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए. दिसंबर टू मार्च ऑलिव बॉडी बटर यूज करना चाहिए, ऑलिव जेल स्क्रब यूज करना चाहिए, लिप बाम यूज करना चाहिए, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, Moroccan organ बॉडी लोशन यूज करना चाहिए, फुट क्रीम यूज करना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर इस टाइम पे यूज करना है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, गोल्ड फेशियल किट, वाइन फेशियल किट, ब्लीच क्रीम, ये सब आपको यूज करनी चाहिए. अप्रैल से जून के बीच में जो हमारे प्रोडक्ट जो यूजफुल होते हैं वो होते हैं पपाया फेस वॉश, गोल्ड फेस वॉश, रोज एंड वाइन फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, Moroccan organ फेस वॉश, SPF 30 प्लस स्प्रे जो अपना टोनर, हनी एंड ओटमील स्क्रब, एप्रिकॉट एलमंड स्क्रब, पपाया सोप, मुल्तानी मिट्टी सोप, शिया कोको बटर सोप, लेमन जिंजर सोप, Moroccan organ सोप, Moroccan organ बॉडी वॉश, फ्यूरिक. सो दीज आर द प्रोडक्ट दैट विच वी ऑफन यूज ऑन समर्स, इन समर्स एक्चुअली. एक्ने अब आ जाते हैं कि मानसून में हम क्या यूज करेंगे. मानसून में कहीं ना कहीं हम अफेक्टेड हो जाते हैं एक्ने से और बॉडी के इन्फेक्शन से, तो उसमें एक्ने एंड किट ज्यादा यूज होंगे, एलोवेरा जेल्स यूज होंगे, क्लिंजिंग मिल्क ज्यादा यूज होगा, SPF 30 यूज होगा और टोनर यूज होगा, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज होगा. अब सेप्टेम्बर टू नवंबर जो अपना पैच आता है जना वहां पर बहुत ज्यादा विंटर होता है ना, गर्मी गर्मी भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही होती है, थोड़ा थोड़ा विंटर आ रहा था, मिड होता है तो उसमें ग्रीन एप्पल शैम्पू यूज होता है, ब्लैक पर्ल शैम्पू, कोकोनट ऑयल, 9-in-1 हेयर ऑयल, बॉडी वॉश एंड Moroccan organ शैम्पू, Moroccan organ कंडीशनर, Moroccan organ हेयर ऑयल, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, तो इस तरह की चीजें यूज हो सकती हैं. अब हम ये कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए हमको किसी को सोल्यूशन देना है तो क्या सोल्यूशन देना चाहिए. अगर किसी को ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश यूज करने से ही सारी चीजें बेहतर नहीं होने वाली.
एक फेस वॉश यूज करने से ही सारी चीजें बेहतर नहीं होंगी, हमें ये सारे प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, चारकोल फेस वॉश भी यूज करना पड़ेगा, चारकोल सोप भी यूज करना पड़ेगा, लेमन एंड जिंजर सोप यूज करना पड़ेगा, टोनर यूज करना पड़ेगा, हनी ओटमील स्क्रब यूज करना पड़ेगा और एलोवेरा जेल यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमको यूज करने चाहिए और हमको सजेशन देना चाहिए, सोल्यूशन देना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा ऑयली स्किन से लड़ने के लिए। फिर आ जाते हैं नॉर्मल स्किन अगर होती है तो उसको क्या यूज करना चाहिए, पपाया फेस वॉश यूज करना चाहिए, क्लिंजिंग मिल्क यूज करना चाहिए, हनी ओटमील स्क्रब यूज करना चाहिए, डे क्रीम यूज करना चाहिए, नाइट क्रीम यूज करना चाहिए। तो दीज आर द प्रोडक्ट हु अराइविंग इन नॉर्मल स्किन। हमने एक कॉम्पोजिशन बना दिया है, ये पीपीटी है, हम आपको शेयर कर देंगे। फॉर अ ड्राई स्किन पपाया फेस वॉश, क्लिंजिंग मिल्क, हनी ओटमील स्क्रब, वीट मसाज क्रीम, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, शिया कोको बटर सोप। सो दीज आर दी प्रोडक्ट जो हमको ड्राई स्किन के लिए यूज करना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए। फिर चारकोल फैमिली का अगर हमको किसी को देना है तो हम चारकोल फैमिली बना के दे सकते हैं कि हमने चारकोल अपना 9-in-1 ये अपना जो इंटेंस ब्लैक पर्ल शैम्पू है हमारा, वो चारकोल वो हम दे सकते हैं, चारकोल फेस वॉश दे सकते हैं, पील ऑफ मास्क दे सकते हैं, टूथपेस्ट दे सकते हैं, सोप दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम पैक बना के उनको दे सकते हैं। एंटी एजिंग अगर हमको देना है तो क्या देना है, गोल्ड फेस वॉश देना है, रोज एंड वाइन दे सकते हैं उसमें, क्लिंजिंग मिल्क दे सकते हैं, एप्रिकॉट आलमंड स्क्रब वाइन किट दे सकते हैं। तो इस तरीके का हम कॉम्बो बना के दे सकते हैं अगर किसी को एंटी एजिंग है और एंटी एजिंग से फाइट करना है। अगर किसी को डैमेज हेयर से करना है तो हम कॉम्बो बना सकते हैं कि एब्सोल्यूट 9-in-1 हेयर ऑयल और 9-in-1 ग्रीन एप्पल शैम्पू हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको। अगर दे आर सफरिंग विद द डैमेज हेयर, उनके हेयर नरिश नहीं है, पॉलिश नहीं है और शाइन नहीं कर रहे हैं, तो हम ये सजेशन दे सकते हैं उनको। फिर नॉर्मल हेयर्स के लिए कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं एंड ब्लैक पर्ल शैम्पू विद कंडीशनर यूज कर सकते हैं। तो ये कॉम्बो ये हो सकता है। बॉडी केयर के लिए हम लोग क्लिंजिंग मिल्क दे सकते हैं, बॉडी स्क्रब दे सकते हैं, बॉडी बटर दे सकते हैं, शावर जल दे सकते हैं, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर दे सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं जो बॉडी केयर के लिए होगा। एंड ब्लेमिश केयर के अगर हमको किसी का कॉम्बिनेशन बनाना है तो हमको क्लिंजिंग मिल्क देना होगा, पपाया फेस वॉश उनको सजेस्ट करना होगा, ओटमील सजेस्ट करना होगा, मुल्तानी मिट्टी सजेस्ट करनी होगी, एंटी ब्लेमिश किट हमको सजेस्ट करनी होगी, सो दैट वी कैन फाइंड फाइट विद द ब्लेमिश ऑन आवर स्किन। फिर एक्ने अगर किसी को है, आजकल गर्मी में भी एक्ने आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उसको सजेस्ट करने के लिए हम लोग क्लिंजिंग मिल्क, चारकोल फेस वॉश, हनी एंड ओटमील स्क्रब, चारकोल सोप एंड एलोवेरा जेल एंड टोनर, एक्ने एंटी एक्ने किट जो हमारी है उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एज रिपेयर के लिए हमारा कॉम्बिनेशन है क्लिंजिंग मिल्क, गोल्ड फेस वॉश, रोज एंड वाइन फेस वॉश, आलमंड एंड एप्रिकॉट स्क्रब, शिया कोको बटर, बॉडी स्क्रब, यंगर किट, जो यंगर यू किट है वो हम यूज कर सकते हैं। द आर्बन फैमिली, सो ऑक्सीनाइन वी केयर नेचुरली, हमको सबको पता है कि हम लोग जो भी अपने प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं वो नेचुरली केयर पे काम कर रहे हैं और ये हमारा जर्नी है, जो प्रोग्राम है सब है। तो इस तरह से हम अपनी पीपीटी को करते हैं। मैं आपको नटशेल में एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देखिए नॉलेज प्रोडक्ट की होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये वेपन का काम करता है, टूल का काम करता है, पर कस्टमर को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं देनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की। उसको उसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं, किस स्किन टोन पे उसको यूज करना है, इतनी सॉल्यूशन ही खाली हमें देनी चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा सॉल्यूशन देंगे, उसकी पूरी महाभारत बताएंगे, पूरी हिस्ट्री बताएंगे, तो कस्टमर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। और हमें कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना है, हमें उसको सॉल्यूशन देना है, सर्व करना है, जिससे वो अपने आगे चलके किसी को सर्व कर सके, किसी को बेटर सॉल्यूशन दे सके, अपने फैमिली को बचा सके। और सबसे बेस्ट चीज क्या है कि अपनी फैमिली को कैंसर, जो कॉस्मेटिक से, जो केमिकल्स से हमारी बॉडी में जो कैंसर इन्वाइट हम करते हैं, उससे हम अपनी फैमिली को और अपने आने वाली जनरेशन को बचा सके। तो सिंपल सा ये फंडामेंटल टूल है। ये पीपीटी मैं आप लोगों के लीडर के थ्रू शेयर करवा दूंगा, ये आपको मिल जाएगी पीपीटी। और हर वीक में आप इस तरह से हम लोग
फ्राइडे को 2 से 3 के बीच में, अभी थोड़ा आज इस बार लंबा हो गया, नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा कट शॉर्ट करेंगे, 3 बजे तक ही रखेंगे। 1 घंटे में हम प्रोडक्ट को फिर से समझेंगे, जो लोग नहीं समझ पाए, जो लोग नहीं अटेंड कर पाए प्लीज उनको बताइए कि हर फ्राइडे को अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, किसी को कोई भी प्रोडक्ट की क्वेरी है तो दे कैन आस्क, और सेपरेटली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है जिनकी क्वेरी है। और अभी हम इस सेशन को स्टॉप कर रहे हैं, और मैं मनीष जी अगर आप हैं तो आप प्लीज इस सेशन को वाइंड अप करें। ओके थैंक यू, हम पूरी टीम की ओर से सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी तरह से हमको ये गाइडलाइन दी और बताया कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी सीजन में कैसे कैसे यूज करना है, किस टाइम पे यूज करना है, और आगे भी हम सीखते रहेंगे आपसे सर। थैंक यू सर, और हम अपने सेशन को भी वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.